हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस ब्लेंडर के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस ट्यूटोरियल में हम लोग इसके आगे मॉडलिंग करेंगे। तो हम लोग एक से एक्सेस पे चले जाते हैं एंड हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग टैब प्रेस करेंगे। एंड टैब प्रेस करने के बाद हम लोग एंड इस दोनों फेसेस से हम लोग थोड़ा बहुत मॉडलिंग जो है करेंगे हम लोग। तो हम लोग कंट्रोल एंड आर एंड दो हम लोग कट जो है लगा लेंगे। एंड दो कट लगाने के बाद हम लोग इसे थोड़ा हम लोग स्केल करेंगे। एंड इसे भी हम लोग स्केल करेंगे। एंड हम लोग का फोर फेसेस जो है क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग इसको एक और कट लगा देंगे हम लोग इसमें। एंड कट लगाने के बाद हम लोग एंड इस दोनों को हम लोग सेलेक्ट करके एंड थोड़ा इसे स्केल करेंगे। एंड स्केल करने के बाद हम लोग यहाँ पे आता है हम लोग का नाइफ। एंड इससे भी हम लोग का एक अच्छा टूल आता है ये। एंड ये सिंपली स्नैप हो जाता है। एंड इसे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड हम लोग ढेर सारे वर्टिसेस को क्रिएट करेंगे। एंड इतना करने के बाद हम लोग बॉक्स सिलेक्शन में चले जाएंगे एंड वर्टिसेस। एंड ये वर्टिसेस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट बी। एंड यहाँ पर हम लोग बेवल इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग इसे जो है एडजस्ट कर लेंगे। एंड एस प्रेस करेंगे एंड जेड। एंड हम लोग थोड़ा इसे स्केल करेंगे।
एंड फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंड हम लोग एक और तरीका से भी हम लोग इसे कर सकते हैं। तो हम लोग ये फेसेस एंड ये सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे एंड आई प्रेस करेंगे एंड हम लोग इसे थोड़ा मूव कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे लूप आता है एंड यहाँ पे हम लोग सर्कल कर देंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हम लोग का कट लग चुका है। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह कर देते हैं तो हम लोग फेसेस में चले जाएंगे एंड एंड यहाँ पर हम लोग का 3D कर्सर सेलेक्ट है एंड इसलिए हम लोग को थोड़ा मिसिंग हो रहा था एंड हम लोग इसे मिडिल पॉइंट कर देंगे। एंड अब ये हम लोग का अच्छा से मूव होगा। एंड आप लोग देख सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग फेसेस एंड इस फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सप्रेस करेंगे एंड ओनली फेसेस